नमस्कार, आज हमारे साथ हैं रजत और इनकी श्रीमती जी। रजत नायब तहसीलदार हैं सागर में और अभी इनका डीओ ट्राइबल के लिए चयन हुआ है। रजत, कैसा महसूस कर रहे हैं डीओ ट्राइबल के लिए चयनित होने के बाद आप? सर, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ उसके बाद वो खुशी लगभग दोगुनी हो गई है सर। बहुत बढ़िया। रजत, आप यहीं सागर के रहने वाले हैं? जी सर। और साथ में आप एक बहुदिव्यांग श्रेणी से आते हैं, अस्थिबाधित और दृष्टिबाधित, और इसमें 75% से अधिक आपका दिव्यांगता का प्रतिशत। इस सबके बाद आपने पढ़ाई और तैयारी कैसे की जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। सर, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण और एक बाधापूर्ण वातावरण में पढ़ाई और सफलता तक प्राप्त करने की एक जर्नी है। सर, मैंने जब से होश संभाला तभी से मैंने अपने आप को पाया कि मैं पोलियो पीड़ित हूँ और आम बच्चों के साथ दौड़ना तो छोड़ो, मैं चलने में भी मुझे कठिनाई है। और जब मैं इससे पूर्णतः उबर पाता तभी लगभग 7 से 8 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मेरी आंखों में भी रेटिना डिटैच है। और जब मैं स्कूल गया तो मुझे आम बच्चों के साथ पढ़ने में कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती थी। आज के और उस समय के माहौल में भी कई प्रकार का अंतर था, लोगों में अशिक्षा और एक दखी अनुचि सोच विद्यमान थी। सर, इन परिस्थितियों में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा और चूंकि रेटिना डिटैच होने के कारण थोड़े नज़दीक से देखना पड़ता था, लगभग मुझे इतने नज़दीक से पढ़ना पड़ता था तो बच्चों के मध्य एक हास्य परिहास्य का विषय भी वो बना रहता था मैं। लेकिन मैंने सब उन सब चीज़ों से अपने आप को उबारते हुए निरंतर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और सर, मैंने दिव्यांगता को एक चुनौती ना लेकर एक अवसर के रूप में लिया। जब आम बच्चे सर बाहर खेलते थे उस समय मैं पढ़ाई करता था और मैं निरंतर पढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचा। निश्चित रूप से बहुत कठिन रहा होगा जब हम लोगों को किसी छोटी बड़ी बात के लिए लोग मजाक करते हैं या एक सोसाइटी में इस तरह का प्रचलन भी है कि कोई व्यक्ति कमजोरियों को लोग ज़्यादातर उस चीज़ को वो करते हैं जी सर। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो आपको क्या लगता था कि कैसे हम लोगों को जवाब देंगे? आप अपने मतलब उस समय काफ़ी हताशा होती होगी, काफ़ी फेस करना पड़ता होगा। उस समय के लिए तो सर मन में एक दुख का भाव आता था, परंतु मैं सिर्फ इंतजार और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्तब्ध होकर रह जाता था और मैं यही कहता था कि जब मैं सफल होऊंगा तभी इन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होगा। बिल्कुल सही कहा आपने रजत। इसमें आपकी वाइफ भी यहाँ पे हैं और वैजयंती जी, इन्होंने भी काफ़ी आपका, दोनों ही आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं, तो आप लोगों की मुलाकात इंजीनियरिंग में हुई थी या शादी हुई और फिर उसके बाद में आप लोगों की मुलाकात हुई? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले से एक दूसरे में आप लोग जानते थे या फिर शादी के बाद एक दूसरे से जानते? इंजीनियरिंग में तो काफ़ी गैप है इनका, 2016 का पास आउट है, मैं 2013 का। अच्छा। हाँ, तो प्रॉपर मुलाकात नहीं हुई, लेकिन MPBSC की परीक्षा के दौरान जी इनको मेरे बारे में जानकारी लगी कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और ये भी क्योंकि कंपटीशन के समय तैयारी कर रहे थे तो मुझसे मार्गदर्शन लेने आई और वहीं से फिर हम लोग की बचा था आप दोनों को। हाँ, एक दूसरे के साथ काफ़ी। आपने 4-5 सालों के लिए प्रयोगशाला टेक्नीशियन का काम किया है जी, 4-5 साल नायब तहसीलदार आप रहे हैं जी, क्या लगा इन दोनों सर्विसेज के कुछ एक्सपीरियंस? क्योंकि लोग कहते हैं कि नौकरी के बाद तो और कठिन हो जाता है और आपके साथ अलग चुनौतियां भी थी, फिर आप ये सब चीज़ों के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर, मैं इसके लिए कबीरदास जी ने जो कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए तब फल होए, इसी पर मैं आगे बढ़ता रहा। और पॉलीटेक्निक कॉलेज में तो क्योंकि एक टाइम लिमिट की जॉब थी, केवल 10 से 5 ही जाना पड़ता था, तो उस समय तो टाइम मैनेजमेंट करना उतना कठिन नहीं था जितना सर मुझे राजस्व विभाग में एज अ नायब तहसीलदार रहते हुए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा। और इस समय तक सर मेरा परिवार भी बड़ा हो रहा था, मेरी बच्ची भी हो चुकी थी, तो पारिवारिक दायित्व, माता पिता की सेवा और अध्ययन कार्य, ये सब करना एक सर टफ टास्क था, वो भी विभिन्न शारीरिक चुनौतियों के साथ, जिसमें मेरे माता पिता के साथ मेरी पत्नी ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। और वर्तमान टेक्नोलॉजी जैसे YouTube सर, Google असिस्टेंट, इनके माध्यम से पढ़ाई तो मैंने की ही, साथ ही मेरी वाइफ ने भी मुझे घंटों घंटों बैठ के लगभग 5-5, 6-6 घंटे बैठ के लगातार पढ़ाया, मेरी सिस्टर ने भी मुझे 5-5, 6-6 घंटे बैठ के लगातार पढ़ाया और मैंने सुन सुन के ही सर पढ़ाई की। और फिर मैंने सहलेखक की सर मदद ली और
2013 में मैं सर पीजी दिया, मेंस दिया, साक्षात्कार तक पहुंचा, परंतु वेटिंग में रह गया। अच्छा। 14, 15, 16 तीन में प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकाल पाया। मैं पुनः प्रयास किया सर, और 2017 में मैंने साक्षात्कार तक पहुंचा, लेकिन अब मेरा रिजल्ट वेटिंग में भी नहीं था सर। अच्छा। मैं 2000 फिर भी मैं टूटा नहीं और निरंतर पारिवारिक सहयोग से प्रयास करता रहा, और 2018 की मैंने सर फिर से तैयारी की, और मैं इस बार अपनी श्रेणी में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप पे था और मुझे नायब तहसीलदार का पद मिला सर। बढ़िया जी। चलिए, और ये वाला भी आप लगभग टॉप ही किया होंगे, तभी आपको बहुत अच्छा पद ये मिला। इस बार मैं सर दूसरे नंबर पे हूँ सर, पूरे मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर में वेटिंग है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग दुआ करेंगे जल्दी आपका और भी आपको मौका मिले। आप राष्ट्रपति जी से मिल चुके हैं, दिव्यांगता पुरस्कार, समाज रत्न पुरस्कार भी आप जीते हैं। जी। गिटार बजाना आपकी हॉबी है। जी सर। तो इतनी सारी गुड क्वालिटीज आप में है, मैं केवल एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप युवाओं को कोई एक संदेश अपनी तरफ से दें, जो बार बार हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या पढ़ाई छोड़ के भागने लगते हैं, उनके लिए कोई एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से क्या होगा? सर, मेरा सभी से यही कहना है कि समाज में एक दया और करुणा का माहौल बनाते हुए अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ें। जनसेवा को अपनी, सिविल सेवक विशेषकर, जनसेवा को अपना एक माध्यम बनाएं और चुनौतियों को बाधा ना मानते हुए एक अवसर के रूप में लें, और जहां है वहीं रुकते हुए तैयारी करें, थोड़े आगे बढ़ेंगे तो और आगे का रास्ता देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो हम लोग साथ जुड़ने के लिए रजत और वैजयंती जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।